हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी कुक्स। फ्रेंड्स, मैं एक आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो उसका नाम है पनीर घोटाला। वो बहुत ही टेस्टी तो होती ही है और जल्दी से ही बन जाती है। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सब नॉर्मली घर पे ही होते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए रेसिपी बनाते हैं। एक पैन में 2 बड़े चम्मच जितना हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को तड़कने देंगे। उसके बाद हमने एक कटा हुआ प्याज लिया था, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। उसको थोड़ी देर भूनेंगे। हमको बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है। फिर उसमें एक हरी मिर्च काटी हुई और अदरक कटी हुई डाल देंगे। उसको थोड़ी देर और भून लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसको थोड़ी देर और भूनेंगे। मैंने एक आधी शिमला मिर्च काट के ले ली थी, जो बहुत महीन बारीक काट ली थी, उसको भी डाल देंगे और उसको थोड़ी देर और सौते करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला और आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल के थोड़ी देर इसको और भूनना है। 1 बॉल टमाटर की प्यूरी बना ली थी मैंने, 2 टमाटर लिए थे, उसकी प्यूरी बना ली थी। उसको मिक्सी में पीस लिया था और उसकी प्यूरी डाली है, तो उसको थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें पाव भाजी मसाला और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और उसको थोड़ी देर ऑयल छोड़ने तक भूनना है। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डालेंगे। इसको हमें क्रश करके डालना है और इसको क्रश करने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए इसको ऐसे ही डालें। और इसको 2 मिनट और भून लेंगे हम इसमें। फिर हम इसमें फ्रेश मलाई डालेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप इसमें क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ी देर और भूनेंगे जब तक ये मलाई घी नहीं छोड़ देती। अब इसमें मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर डाला है। मैंने ये पनीर 200 ग्राम के करीब लिया था। इसमें मैंने पनीर को लेके घिस लिया था और इसमें अब पनीर ऐड करेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे। अब इसमें मैं 1/2 कप के करीब पानी ऐड करूंगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको कवर करके 5 मिनट तक पकाना है हमको। 5 मिनट के बाद ये इसका कलर ऐसा हो जाएगा और ये थोड़ा थिक भी हो जाएगा। देखिए सब्जी देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब हम इसमें एक चीज़ स्लाइस डाल देंगे। मेरे पास चीज़ स्लाइस था इसलिए मैंने इसमें डाला। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो आप चीज़ क्यूब्स भी घिस कर डाल सकते हैं। और इसको इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। 2 मिनट पका लेंगे। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। सब्जी देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।